हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टर्म्स जो है ये हमारे सामने, इनके अंदर क्या डिफरेंस है। दो टर्म्स के अंदर कौन सी है, हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस दो टर्म है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले हम बात करेंगे हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होती है, हेरिडिटरी का सिंपल मतलब है पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब है जो ट्रेट्स हैं, जो गुण हैं, वो उनका पास होना किससे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, इसको बोल रहे हैं हेरिडिटरी। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पे मान लीजिए ये कपल है, ठीक है, ये है मदर और ये है फादर और ये है इनका बच्चा, दिस इज चाइल्ड। ये जो मदर है इसकी आईज जो है वो ब्लू है और ये जो बच्चा है इसकी आई भी क्या है, ब्लू आईज है। तो इस बच्चे की जो ब्लू आई है ये कहां से है, ये ट्रेट कहां से आया, ये आया मदर से। जो ये ट्रेट है ये कहां से पास हुई, मदर टू चाइल्ड, ये ट्रेट पास हुई मदर टू चाइल्ड। सो इस ट्रेट के पास होने को, यहां मदर से चाइल्ड में इस ट्रेट के पास होने को क्या कहेंगे हम, हेरिडिटरी। तो ये हेरिडिटरी है, ट्रेट का पास होना। ट्रेट कहां से कहां पास हो, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ट्रेट्स जो पास हो रहे हैं, जो गुण पास हो रहे हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम हेरिडिटरी। ये सिंपली हेरिडिटरी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म, दैट इज इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस क्या है, जो इनके पास, हमें पता है हेरिडिटरी में क्या है, ट्रेट पास हो रहे हैं। ट्रेट कैसे पास हो रहे हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास हो रहे हैं। अब ये पास कैसे हो रहे हैं, हाउ दे आर पासिंग, मतलब ये पास कैसे हो रहे हैं, इसकी प्रोसेस क्या है पास होने की, प्रोसेस या आप कह सकते हैं मैकेनिज्म क्या है पास होने का, इसको, इस प्रोसेस और मैकेनिज्म को ही हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। जो ट्रेट पास होने का मैकेनिज्म है इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो मैकेनिज्म, इसको हम लिखेंगे ऐसे, मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ और ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको क्या कहेंगे हम, इनहेरिटेंस। अब देखिए ट्रेट कैसे पास होते हैं, हमें पता है फीमेल से ये ट्रेट, जो ट्रेट पास हुआ है इसमें फीमेल है, फीमेल की एक सेल है, ये सेल पहले क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी अपना डीएनए, अपना डीएनए डबल करेगी, फिर उस डीएनए को सेपरेट करेगी। रेप्लिकेट करने के बाद ये टू एन सेल है, यहाँ क्या होगी, मियोसिस होगी, फिर क्या बनेगा, एग बनेगा, एग के अंदर ये डीएनए होगा, इस डीएनए के अंदर ये जीन है, ये जीन फिर फादर का जो मेल गैमेट है उसके साथ फ्यूज होगा, जायगोट बनेगा। ये जीन कहाँ है, ये जीन मदर का ये जीन है, ये जीन फिर जायगोट से क्या बनेगा, चाइल्ड बनेगा, और चाइल्ड के अंदर ये जीन है तो उसकी आइज क्या होंगी, ब्लू। तो ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी पास होने की ट्रेट की, इसको कह रहे हैं हम इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटरी सिंपली क्या है, ट्रेट का पास होना किससे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। और वो ट्रेट पास होते कैसे हैं, उनके पास होने का पूरा मैकेनिज्म क्या है, वो पूरे प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस।